नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ। प्रदेश के 1 लाख से अधिक कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क परिवहन का लाभ। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 2 तालाब में लगे रंगीन म्यूजिकल फाउंटेन का किया लोकार्पण। विधायक के प्रयास से सेक्टर 2 तालाब बना मनमोहक पर्यटक स्थल। और दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्था देख मरीजों से चर्चा कर ली अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए शनिवार को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र छात्राओं को बधाई दी। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कॉलेज से घर आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज में पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मजदूर हैं, तो रोज़ उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता, तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसे पेमेंट करने की व्यवस्था के बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है। और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है, आप लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं जो स्मार्टफोन है उसका उसके सारे फीचर्स आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो केवल बस बात भर करना रहता है या कोई मैसेज आए पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो उसी के साथ ही पला बढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। जहाँ स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में, 1,152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39
क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है, और अभी अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था, और साथ ही चूँकि वो वर्चुअल होगा इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं, ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए हैं, तो कुल मिला के 150 जो ब्लॉक है उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग JEE के या NEET के तैयारी करना चाहते हैं, उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी, और उसके साथ साथ अब PSC व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो शुरू हो गया, 4 अभी स्वीकृति के कगार पर है, तो 8 नए मेडिकल कॉलेज, उसी प्रकार से 83 जो कॉलेज खोले गए हैं जिसमें 23,000 से अधिक बच्चे, 23,500 सीटों की वृद्धि की गई है। जिला मुख्यालयों में 10 कन्या महाविद्यालय भी खोले गए हैं। अभी पहले तो अंग्रेजी स्कूल ही नहीं थे, लेकिन अब 370 से अधिक हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए, और उसके साथ साथ अब कॉलेज भी 10 अंग्रेजी कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा क्षेत्र में लगातार प्रयास, जैसे व्यापम है, PSC है, इसमें जो शुल्क लगता था अब वो नहीं लगता, तो जो परीक्षार्थी हैं लगभग 33 करोड़ रुपये को उनका बचत हुआ है। अभी जिस प्रकार से जो परिवहन है उसमें 100 करोड़ से अधिक की राशि, उसकी बचत आप लोगों को होगी। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पहले विभाग के द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना रखा गया था, जिससे इस योजना के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, परिवहन शब्द आने से ये हो जाएगा कि ये छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि युवा मितान परिवहन योजना इस योजना का नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ विभाग भी इससे सहमत होगा, तो आप सबको इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना ने देश की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक दलों और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उन राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं CM बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा आरक्षण के विरोध में है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में OBC 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है, जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं, और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? सवाल तो इसी बात का है। टटू स्थित तालाब भिलाई शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश का पहला ऐसा तालाब है जहां भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी के भी दर्शन होंगे। यहां विधायक देवेंद्र यादव की पहल से तालाब का डेवलपमेंट करवाया गया है। इस तालाब में म्यूजिकल कलर फाउंटेन भी लगाया गया, जिसका लोकार्पण शुक्रवार की शाम विधायक देवेंद्र यादव ने किया। रंगीन म्यूजिकल फाउंटेन को जब लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान चालू किया गया तो लोग एक टक लगाकर देखते रह गए। विधायक देवेंद्र यादव की पहल से इस तालाब का पूरा स्वरूप ही बदल गया है और यह तालाब शहर में एक भव्य और मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में तैयार हो गया है, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र यादव के साथ महापौर नीरज पाल, विधायक प्रतिनिधि व लोक कर्म प्रभारी एकांश बंछोर, स्थानीय पार्षद सहित हजारों की संख्या में नागरिक शामिल रहे।
भिलाई का सेक्टर 2 तालाब शहरी नहीं बल्कि प्रदेश का एक ऐसा तालाब है जहां भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी के भी दर्शन होंगे। यहां विधायक यादव की पहल से तालाब का डेवलपमेंट करवाया गया है। यहां तालाब पर म्यूजिकल कलर फाउंटेन भी लगवाए गए हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने शुक्रवार देर शाम इसका लोकार्पण भी विधिवत किया। इस मौके पर रंगीन म्यूजिकल फाउंटेन को लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जब जब चालू किया गया तो लोग एक टक देखते ही रह गए। तालाब का सौंदर्यीकरण देख लोगों में बेहद उत्साह और उमंग साफ नजर आया। बता दें कि सेक्टर 2 तालाब में भव्य रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की। उनकी पहल से ही तालाब का पूरा स्वरूप ही बदल गया और ये तालाब शहर में एक भव्य और मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील हो गया, जहां अब लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, लोक कर्म प्रभारी व विधायक प्रतिनिधि एकांश बनचोर, सेक्टर 2 की पार्षद सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। सेक्टर 2 तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, साथ ही यहां पर बच्चों के खेलने के लिए मैदान, झूला, लॉन, फूड पार्क भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ यहां सबसे आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा होगी। सेक्टर 2 तालाब में प्रतिमा स्थापित की गई है और तालाब के किनारे बने दीवार पर रामगमन पथ का म्यूरल चित्रकला भी बनाई गई है। ये भी आकर्षण का केंद्र होगी। म्यूरल चित्रकला से राम भगवान की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। इन सब के साथ अब यहाँ मनमोहक मनोरंजन के लिए रंगीन म्यूजिकल फाउंटेन आकर्षण का केंद्र होंगे। देखिए, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को लोकार्पण करने का अवसर मिल रहा है। वैसे हमने चुनावों में देखा है लोग आखिरी 5 साल में केवल भूमि पूजन करते हैं। हम लोग लोकार्पण भी कर पा रहे हैं और भूमि पूजन कर पा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि हम निरंतर काम करने पर विश्वास करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत दिल से आभार करूंगा। छठ पूजा के समय जब वो यहाँ पर आए थे, मैं और माननीय महापौर जी, हम दोनों ने उनसे प्रार्थना की थी कि यहाँ ये तालाब से सभी लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है और ये बहुत प्रबुद्ध जगह है हमारी भिलाई की, और उनके स्नेह से यहाँ पर राशि प्राप्त हुई और माननीय महापौर जी की जो दृष्टिकोण है, उनकी जो दृष्टि है, उसके आधार पे इसका डेवलपमेंट हुआ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, खुश हैं कि भिलाई जो टाउनशिप एरिया जो दिन ब दिन आज से 4-4.5 साल पहले अपनी पुरानी स्थान को खोते जा रहा था, अब पिछले 4.5 सालों में वहाँ हर एक सेक्टर में एक ऐसे
एक ऐसी जगह का स्थापना हो गई जो उस सेक्टर की पहचान बनती जा रही है। सेक्टर 2 की पहचान ये जगह बनेगी, जैसे शहीद पार्क, जैसे स्वामी विवेकानंद पार्क सेक्टर 1 में बना शहीद पार्क, सेक्टर 5 में बना सिविक सेंटर का लोक का काम चल रहा है, हुडको में बड़ा स्टेडियम बना। इस तरीके से हर एक जगह पे हमने काम करने की कोशिश किया और ये म्यूजिकल फाउंटेन जो कि हम टिकट लेकर दूसरे शहरों में जाकर देखते थे और मैत्री गार्डन में हमें देखने मिलता था, वो अब नगर पालिका के द्वारा इस तालाब में उसका स्थापना की गई। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए छत्तीसगढ़ महतारी की जो एक बहुत ज़रूरत हमको एक प्रतिमा की थी, वो प्रतिमा इस पवित्र स्थल पर स्थापित हुई है। ये सेक्टर 2 का जो तालाब है बरसों से आस्था का एक स्थान रहा है। लोग यहाँ पर अपने पूजा से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब यहाँ पे इस तालाब में आके करते रहे हैं। उनके परिवार के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो उसके लिए ये तालाब पूरे भिलाई के लोगों के लिए अपना महत्व रखता था। और यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा का अनावरण विधायक जी द्वारा किया गया है, इसमें इस तालाब की महत्वता उसको और बढ़ेगी इस मूर्ति लगने से। बहरहाल लोकार्पण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर ने दुर्ग जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, साथ ही व्यवस्था की बदहाली को देख अधिकारी और कर्मचारियों को लगाई फटकार। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने शनिवार को दुर्ग के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों के साथ अस्पताल की व्यवस्था देखी। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से अस्पताल के बारे में चर्चा कर अस्पताल में किए जाने वाले उपचार का हाल जाना, साथ ही उन्होंने अस्पताल में आने जाने वाले लोगों की जानकारियाँ रखने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन काउंटर, दवाई वितरण केंद्र सहित सभी जगहों का निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल के सिविल सर्जन को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कांकेर जिले के कार्यक्रम में की गई घोषणा की थी, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी तो यहां बिहार जैसे जाति जनगणना कराएंगे, पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ये बताए कि 60-65 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, तब जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई, क्योंकि पिछली जाति जनगणना 1931 में हुई थी। अभी जो 2023 जनवरी में जनगणना कराई और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाति जनगणना कराकर हमने अपनी पास रख ली, क्यों अपनी पास रख ली, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। प्रियंका गांधी जी बोलती है कि अगर हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं प्रियंका गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जब जो केंद्र में आपकी सरकार रही 60-65 साल, आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई, क्योंकि पिछली जातिगत जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी और अभी जो 2023 जनवरी में क्वांटिफाइबल डाटा के हिसाब से जातिगत जनगणना आपने करवाई और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो जातिगत जनगणना करा के हमने अपने पास रख ली, आपके लिए क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं कि ये उसके बाद ही विकास होगा। विकास का या जाति का एक ही धर्म होता है, एक ही सबसे बड़ी जो जाति है वो है गरीबी और सबसे बड़ी आबादी भी जो है वो है गरीबी। और एक बात बता दूं कि 2009 में ओबीसी वर्ग ने 22% भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, मत दिया था, लेकिन 2019 में ओबीसी वर्ग ने 44% अपना मतदान दिया था। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स,
साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय, तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्मरोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हां, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI,
सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 7। सिविल अस्पताल सुपेला में लगाई गई फिजियोथेरेपी एवं डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण नगर निगम भिलाई के सभापति गिरवर बंटी साहू ने किया। इस अवसर पर पार्षदों सहित अस्पताल का स्टाफ उपस्थित था। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में फिजियोथेरेपी मशीन एवं डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग पिछले काफी वक्त से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। सिविल हॉस्पिटल सुपेला के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र के लगातार प्रयासों से जिले के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस मांग को पूरा कर दिया गया है। फिजियोथेरेपी मशीन एवं डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण नगर पालिका निगम भिलाई के सभापति गिरवर बंटी साहू, निगम के MIC मेंबर केशव चौबे, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा सहित अन्य पार्षदों की उपस्थिति में हुआ। गिरिवर बंटी साहू ने विधिवत फीता काटकर मशीनों का लोकार्पण किया। इसके पूर्व आए हुए अतिथियों का स्वागत अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा किया गया। गिरिवर बंटी साहू, केशव चौबे सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं को लेकर प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र से चर्चा की, जिस पर प्रभारी डॉक्टर ने जन प्रतिनिधियों को अस्पताल में मौजूद सुविधाओं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर जानकारी दी। गौरतलब है कि फिजियोथेरेपी मशीन एवं डिजिटल एक्सरे मशीन के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उपलब्ध हो जाने से मरीजों को इसका बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल सुपेला में दूर दराज के क्षेत्र से मरीज अपना उपचार कराने पहुंचते हैं। इन मशीनों के अभाव में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता था, इससे मरीजों को परेशान होना पड़ता था। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर के प्रयासों से अब यह मशीन सिविल हॉस्पिटल सुपेला में उपलब्ध कराई जा सकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट तथा कमर्शियल अपार्टमेंट के सोसाइटियों का गठन नहीं किए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी सहकारिता विभाग के सामने दिया धरना। आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर SK अग्रवाल के नेतृत्व में दुर्ग के बुनकर संघ कार्यालय स्थित सहकारिता विभाग के सामने विभाग की कार्यप्रणाली का विरोध जताया गया। इस अवसर पर आप नेताओं ने पंडाल लगाकर आक्रोश जताया। इस दौरान आप पार्टी ने अनोखा विरोध जताते हुए संयुक्त पंजीयक और उप पंजीयक को पुष्पगुच्छ भेंट कर गेट वेल सून भी कहा। बता दें कि डॉक्टर SK अग्रवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी के द्वारा मुख्य सचिव अध्यक्ष रेरा सहकारिता विभाग पंजीयन को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शिकायत की गई थी। दुर्ग सहकारिता विभाग संयुक्त पंजीयक एवं उप पंजीयक द्वारा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट तथा कमर्शियल अपार्टमेंट के सोसाइटियों का गठन नहीं किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि दुर्ग सहकारिता विभाग द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के विरुद्ध शिकायत की गई है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग बुनकर संघ के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टर SK अग्रवाल, संजय सिंह, मेहरबान सिंह, के ज्योति सहित अन्य सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में आप नेता ने प्रतिक्रिया दी। रेता विभाग जो बुनकर संघ में है, वहाँ पर उप पंजीयक कार्यालय, दूसरा संयुक्त पंजीयक कार्यालय, दो कार्यालय हैं। दोनों विभागों के भ्रष्टाचार से विरोध में, उनके विरोध में, उनके द्वारा बिल्डरों को दिए गए संरक्षण के विरोध में आज आम आदमी पार्टी धरने पर बैठी थी। जितने भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है या कमर्शियल अपार्टमेंट है, उनमें सोसाइटी का गठन होना चाहिए, लेकिन
इनके द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की नीयत से उनके रहवासियों को, दुकान मालिकों को, मकान मालिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कानून को तोड़ मरोड़ कर उनको गलत प्रस्तुत कर बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। जैसे कमर्शियल बायलॉज का कहीं प्रावधान नहीं है, बिल्डर से एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ऐसे अलग अलग शर्तें रख करके उनको सोसाइटी बनाने से वंचित कर दिया जाता है। और जैसे स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उसके खिलाफ विभिन्न शिकायतें हो चुकी हैं, उनकी अध्यक्ष की सदस्यता की शिकायत हो चुकी है, उनकी अध्यक्ष तथा संस्था से वसूली के लिए एक आवेदन लंबित, सालों से लंबित पड़ा है, ईडब्ल्यूएस की जमीन का मामला लंबित पड़ा है, सड़क भूमि के, खुली जमीन के बेचने का मामला लंबित पड़ा है, सबको इनके दोनों विभागों के द्वारा दबा कर रख दिया गया है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज धरने पर बैठी थी। इसके साथ एक विशेष बात है कि हमने इसको स्टडी किया कि संयुक्त पंजीयक तथा उप पंजीयक दोनों कार्यालयों में दोनों मुख्य अधिकारी अपने ऑफिस टाइम पे आते ही नहीं हैं, कार्यालय 12 बजे के पहले शुरू होता ही नहीं। ये हम लोग प्रमाणित तौर पे प्रमाण कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि विभाग टाइम पे का पाबंद नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायपुर से दुर्ग मार्ग का चौड़ीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे 6 दिन में पूरा किया जाएगा। कुम्हारी के बाद डबरापारा पावर हाउस और चंद्रा मोरिया सर्विस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने रायपुर से दुर्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत शनिवार से की गई। सड़क चौड़ीकरण कार्य 24 घंटे जारी रहेगा। जिले की यातायात पुलिस ने सड़क जाम से बचने, अल्टरनेट रास्ते का उपयोग करने की अपील वाहन चालकों से की है। सड़क चौड़ीकरण की शुरुआत कुम्हारी ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड से की गई है, जिसके पहले चरण में रायपुर से दुर्ग मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 6 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कुम्हारी में कार्य पूरा होने के उपरांत डबरापारा पावर हाउस चंद्रा मौर्या सुपेला में सर्विस रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। जिले की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि जाम से बचने वैकल्पिक मार्ग सिरसा गेट से मोतीपुर उतई फुंडा अमलेश्वर मार्ग का प्रयोग करें, साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले यात्री समय से पहले निकले। कार्य के दौरान डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने निर्माण कंपनी को सेफ्टी उपकरणों का प्रयोग करने, वाहन डाइवर्ट करने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करने, रात्रि के समय उचित प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने निर्देशित किया है, साथ ही आम नागरिकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। देश भर में 10 अक्टूबर को मनोरोगों पर पूर्ण विराम लगाने, जिला अस्पताल में दिए जाने वाली विशेष सेवा को लेकर डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जिला चिकित्सालय दुर्ग में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को ओपीडी नंबर 9 में मनोरोग विभाग में मानसिक स्वास्थ्य एक यूनिवर्सल मानव अधिकार है की थीम पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का भव्य आयोजन किए जाने को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बीमारी से जुड़ी बातें बताई। साथ ही बताया कि समाज में आज भी मनोरोग चिकित्सक को पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि निमहांस बेंगलोर द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 50 लाख मानसिक रोगी हैं, जिसमें 30 लाख मरीज सिर्फ शराब की लत से ग्रसित हैं। इनमें से लगभग 10 से 12 लाख रोगियों को इलाज संभव हो पा रहा है, जबकि बाकी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसे ट्रीटमेंट गैप कहा जाता है। साथ ही बताया कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में रोज लगभग 50 से 60 मानसिक रोगी इलाज के लिए आते हैं। उसमें शिजोफ्रेनिया, उदासी रोग और नशे से संबंधित परेशानियों से ग्रसित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनता भूत प्रेत जादू टोना जैसी अंधविश्वास वाली चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा रुझान रखती है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल आने में अक्सर देरी हो जाया करती है और पीड़ितों का समय पर इलाज नहीं होने से वे परिवार के लिए बोझ बनते चले जाते हैं। 10 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय के मनोरोग विभाग में मनोरोग से ग्रसित मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को मानसिक समस्याओं से निपटाने के विशेष तौर तरीकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई जाएगी, जैसे पोस्टर मेकिंग, रंगोली कंपटीशन, गायन इत्यादि, जो मरीज खुद घर पर अपने परिजनों के साथ करके तनाव को दूर कर सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। ये जो शिविर है, ये शिविर नहीं कहूँगा मैं, ये एक सेलिब्रेशन है। 10 अक्टूबर 2023 मंगल
मंगलवार के दिन जिला चिकित्सालय दुर्ग में हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि मरीजों के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि रंगोली कार्यक्रम होगा, गायन प्रतियोगिता होगी, पोस्टर मेकिंग होगा। हम स्कूलों में जा कर के जो है छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, और इवन कि उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको भी ये चीज़ें बताएंगे कि किस किस प्रकार से मानसिक रोग हो सकते हैं और क्या क्या उसका इलाज हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं नेशनल लेवल से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 50 लाख मानसिक लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जिसमें कि केवल 10 से 12 लोगों को ही मानसिक रोगों का इलाज उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जागरूकता की कमी है और जो लोग हैं वो झाड़ फूँक और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए अक्सर मरीज जो है वो देर से इलाज के लिए आते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि कभी भी मानसिक रोग के किसी भी प्रकार के लक्षण आपके अपनों के अंदर, बच्चों के अंदर नज़र आते हैं, तो आपको मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। और ये जो धारणा है कि एक बार जो दवाई शुरू हो जाती है वो आजीवन चलती है, बिल्कुल गलत है। हमारी दवाइयाँ 6 महीने से साल भर के अंदर बंद हो जाती है और मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के JRD स्कूल का 1,50,00,000 की लागत से हुआ जीर्णोद्धार, इस अवसर पर शहर विधायक एवं महापौर ने किया लोकार्पण। दुर्ग के वर्षों पुराने स्कूल JRD स्कूल का करोड़ों रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कर इसकी रूपरेखा का नया स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर शनिवार को स्वामी आत्मानंद JRD शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने आए हुए अतिथियों के स्वागत में गीत प्रस्तुत किया। विधायक ने स्कूल में नए भवन के लिए बधाई दी और स्कूली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोकार्पण करने के लिए श्री हमारे चहेते विधायक जी श्री अरुण बोरा जी और महापौर जी आए हैं, हमारे बाकलीवाल सर, और हमारे 114 साल पुराना स्कूल है उसका लोकार्पण आज इतने साल बाद हो रहा है और हमें बहुत, हम लोग सब गौरवान्वित हैं और हम लोग सब एकदम खुश हैं कि बच्चे भी बहुत खुश हैं कि इतने साल के बाद इसका एक नया स्वरूप देखने को मिला है और इसमें सभी का, बच्चों का भी हाथ रहा है और सब ऊपर से सर का भी बहुत आशीर्वाद रहा है। और हमारे स्कूल में स्वामी आत्मानंद बनने के कारण, पिछले साल से स्वामी आत्मानंद है, उस स्वामी आत्मानंद में इस साल बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। लास्ट ईयर हमारे पास 800 बच्चे थे, इस बार 1,112 बच्चे हैं, तो उनके लिए ए लुक और इनके इतिहास में पहली बार उन्होंने इस प्रकार से लोकार्पण को देखा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्वामी आत्मानंद JRD शासकीय स्कूल के ब्लॉक वी एवं CD का जीर्णोद्धार का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया गया। विधायक ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। प्राचीन स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, आजकल झाड़ू राम देवांगन स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं, और बहुत लंबे समय से, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से ये स्कूल यहाँ पर चल रही है। हमने भी यहाँ पर पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद जो जो यहाँ पढ़ा है वो ये मानकर चलिए कि वो उच्च शिखर पर ही पहुँचा है। सब, चाहे कोई कलेक्टर बना है, कोई SP बना है, कोई विधायक बना है, कोई सांसद बना है, कोई मंत्री बना है, और कोई सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। तो ये स्कूल जर्जर हो गई थी, तो हमने करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि खनिज न्यास मत से स्वीकृत कराई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हमको आवश्यकता है, तो बोले आपकी जो बैठक होती खनिज न्यास में आप उसमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो प्रस्ताव पारित हुआ, लगभग 1,60,00,000 की लागत से इस स्कूल का संधारण हुआ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बच्चे कितने खुश हैं। व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होगी तभी हर काम व्यवस्थित होगा। जैसे हम अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखते हैं, तो सब व्यवस्था अच्छी चलती है। स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत विश्वास से माता पिता भेजते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा है तो वहाँ सुरक्षित भी रहे, अच्छी पढ़ाई भी हो, अच्छे शिक्षक भी हो। तो उस लिहाज, उस हिसाब से हमने इसको पूरा ध्यान में रखा और यहाँ पर ये राशि स्वीकृत कराई। उसके पहले भी हमने बहुत से काम यहाँ पर करवाए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था, शौचालय बन रहा है, जितनी आवश्यकताएं बच्चों को, प्राचीन समय तो चल गई, अब वर्तमान समय में जो जो आवश्यकता है, प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता और आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे।
नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवा ले। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में जहां एक तरफ चाकूबाजी, मर्डर, अवैध शराब की खबरें आती रहती है, वहीं दूसरी तरफ अब युवतियों के बीच झगड़े की खबर आने लगी है। तेलीबांदा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात बीच सड़क पर दो युवतियों में जमकर मारपीट हुई। युवतियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। वाहन टकराने के बाद एक युवती ने बीच सड़क पर दूसरी युवती की पिटाई कर दी। थोड़ी देर में मौके पर पहुंची तेलीबांदा पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। दोनों पक्षों ने तेलीबांदा थाना में एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम सेलूद के एक मकान में जहरीला सांप देखे जाने पर घर वालों सहित पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। ग्रामवासियों द्वारा तत्काल स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने काफी जद्दोजहद के बाद सांप को प्लास्टिक की बरनी में कैद कर लिया। ग्राम सेलूद में जहरीले सांप को देखे जाने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। इसी के तहत शनिवार को सेलूद निवासी विवेक कुमार वर्मा के निवास स्थान पर एक जहरीले सांप को देखा गया। सांप को घर में घुसकर बैठा देख घर वालों में हड़कंप मच गया। जहरीले सांप के होने की जानकारी मिलते ही आसपास के निवासी विवेक कुमार वर्मा के घर एकत्र हो गए। इसी दौरान किसी ग्रामवासी द्वारा भिलाई निवासी स्नेक कैचर आकाश राव को फोन किया गया। जानकारी मिलते ही स्नेक कैचर आकाश राव अपने सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचे और अथक प्रयास के बाद आखिरकार जहरीले सांप को प्लास्टिक की बरनी में कैद कर लिया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी आकाश राव जिले के विभिन्न स्थानों से जहरीले सांपों को पकड़ चुके हैं, जिसे कैद कर वे जंगलों में छोड़ दिया करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के कैलाश नगर में हुई चोरी। इस बार अज्ञात चोरों ने जनरल किराना स्टोर को निशाना बनाते हुए स्टोर से नकदी और सामान ले हुए फरार। मोहन नगर थाना क्षेत्र दुर्ग के कैलाश नगर में शर्मा किराना जनरल स्टोर में चोरी की घटना हुई, जिसमें अज्ञात चोरों ने किराना दुकान में रखे लगभग 40,000 रुपए नगद और सिगरेट पर अपना हाथ साफ कर लिया और साथ ही फरार भी हो गए। वही चोरी की घटना की शिकायत के बाद मोहन नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने बताया कि शर्मा दुकान ने शिकायत की है कि देर रात दुकान बंद कर चला गया था, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। वही दुकानदार ने चोरी हुए मामले में जानकारी दी। रात में भैया रात का 3:45 बजे मेरे को मेरा भतीजा आके उठाया कि हुआ उठो करके दुकान में चोरी हुआ है, और जस्ट उसको भी नहीं पता था, वो सो के वॉशरूम के लिए उठा था तो दरवाजा उसका घर से बाहर से बंद था। दरवाजा उसने मम्मी को फोन लगाया कि मम्मी दरवाजा बाहर से बंद है, आप आके खोलो। और जस्ट वो मेरी भाभी है बड़ी जो आए वो देखने के लिए, तो दुकान का दरवाजा खुला था, घर का सामने का दरवाजा खुला था और वो बच्चे के रूम का दरवाजा वो खोली और फिर मेरे को आके उन लोग उठाए। तो हम लोग पूरा आके देखे पूरा दुकान में जितना पैसा कैश था पूरा मेरा आपका 40,000 जितना कैश था 40,000 पूरा चिल्लर नोट जितने थे सब वो पूरे उठा के ले गए। और मेरे भतीजे के उठने के कारण वो जो कुछ पैसा था कि जो छूट गया है 400-500 बाकी पूरे कैश वो लेके सब चल दिए। मैंने पुलिस को कॉल की 112 में, पुलिस 112 15 से 20 मिनट के बाद आई। उन्होंने आया पूरा दुकान को देखा, फोटो खींचे, आसपास पूरा सर्च किए वो, और उन्होंने बोला जाके थाना में कंप्लेन देने के लिए कि एक आवेदन दे दीजिए कि आपका आगे कार्रवाई की जाए करके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 140 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। शहर में बड़ी तेजी के साथ नशे के कारोबार को फैलता देख लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद भी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी बेखौफ दुर्ग भिलाई में नशीली दवाओं की तस्करी करते देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने धरपकड़ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे के तस्कर सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर सहित आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नशे की तस्करी करने वाली एक महिला दुर्ग मठपारा निवासी रेशमा खान को ब्राउन शुगर बेचते दुर्ग कोतवाली पुलिस ने पकड़ा, जिसके पास से 140 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 14,800 रुपये बताई गई है। साथ ही महिला आरोपी के पास से 33,000 नगद जब्त भी किया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय में पेश किया गया, साथ ही जेल भी भेज दिया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी ने प्रतिक्रिया सूचना मिली थी कि एक महिला रेशमा खान नाम की जो मठपारा की रहने वाली है वो ब्राउन शुगर को बिक्री वगैरह करती है करके। इस संबंध में जाके टीम गठित करके वहाँ पर मैं दबिश दिए थे, जहाँ महिला के पास से ब्राउन शुगर के लगभग 40 नग पुड़िया बरामद हुआ था और
लगभग 30,000 रुपये नकदी मिला है, जिस पर से थाना कोतवाली के द्वारा जो है नार्कोटिक्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। ये लगभग 14,800 रुपये के आसपास का है और 30,000 रुपये नकद है, कुल मिला के 44,800 रुपये के आसपास का है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महिला पुलिस कर्मी से शादी का प्रलोभन देकर अनाचार के मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में युवती के साथ अनाचार किए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि आपको शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म करने की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक पुष्पेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम माकर दोना कोरेगांव जिला धमतरी निवासी पुष्पेंद्र पटेल माइनिंग विभाग में वाहन चलाता है। इसकी दोस्ती वर्ष 2022 में एक इवेंट कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस कर्मी से हुई। जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से कर्मी के साथ अनाचार करता रहा। फिर वहीं परेशान कर्मी ने घटना की शिकायत पुलिस में की। इस मामले में पद्मनाभपुर टीआई ने बताया कि पीड़ित से आवेदन मिलते ही टीम गठित कर आरोपी की खोजबीन की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पुष्पेंद्र को धमतरी से पुलिस ने आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अपराध दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।